हेलो दोस्तों, एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाने का मेरा कारण ये है कि जैसे मेरे साथ जो प्रॉब्लम और इशू हुए हैं, मैं चाहता हूँ मेरे बाकी सारे दोस्तों के साथ या जो भी ये वीडियो देखेगा उसके साथ ये ऐसी प्रॉब्लम और इशू ना हो रिलेटेड टू पॉलिसी बाज़ार। क्या हो गया, मैंने एक पॉलिसी ली है, कार पॉलिसी ली थी मैंने, उसको अभी ये दिसंबर में 15 दिसंबर को 1 साल हो जाएगा और अभी 9 नवंबर को मेरी गाड़ी का छोटा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने अपनी गाड़ी इंश्योरेंस के लिए भेजी थी। वहाँ पे उनका जो इंस्पेक्ट करने आता है वो आया, उसने गाड़ी इंस्पेक्ट करी 9th को, मुझे 10th को उसने रिवर्ट बैक किया कि आपकी जो पॉलिसी है वो रिजेक्ट हो चुकी है, हमारी तरफ से उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, और वो भी अप्रॉक्स 1 साल होने को आया। उस टाइम पे जब मैंने पॉलिसी ली थी तभी उन्होंने मेरी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी थी। तो मैंने पूछा क्यों की, उसने बोला आपकी पॉलिसी रिजेक्ट करने का कारण था कि आपका NCB विच इज़ नो क्लेम बोनस, वो आपने जो भरा था वो गलत था, आपने 45% भरा जबकि वो होना चाहिए था 25%। मैंने बोला भाई मुझे तो ये कोई बताया नहीं किसी ने कि क्या नो क्लेम बोनस कैसे होता है, क्या है सिस्टम, तो पहले समझ में भी नहीं आया मेरे को। मैंने बोला शायद मैंने गलती से डाल दिया होगा, उसमें कोई ऑप्शन होंगे, तो मैंने बोला मेरे को लेकिन पॉलिसी बाज़ार की तरफ से तो कोई इंटीमेशन या उन्होंने कुछ मुझे बोला ही नहीं इसके रिलेटेड, और उन्होंने मेरे को मेरी पॉलिसी इशू करके दी हुई है। तो बोलता है नहीं, हम लोगों के यहाँ से तो कैंसिल है, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट पे जो भी हम चेक कर रहे हैं उसमें आपका डायरेक्ट दिखा रहे हैं, वो कैंसिल कर दिया अपने वेबसाइट में जिसमें भी उनका होता है। मैंने बोला भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मेरा आज भी पॉलिसी बाज़ार में मेरी पॉलिसी एक्टिव दिखा रही है, मैं अभी भी पॉलिसी बाज़ार चेक कर रहा हूँ तो उसमें एक्टिव आ रही है। मैं आपको इसके बाद में ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाके पूरा ऐप खोल के आपको मैं चेक करवाता हूँ कि मेरा पूरा का पूरा एक्टिव दिख रही है। मेरी पॉलिसी मैं खोल के दिखाऊंगा, उसके अंदर भी पॉलिसी इशूड, पॉलिसी की डेट, पॉलिसी कब से कब तक की है, उसमें क्या है, सब डिटेल में आपको मिल जाएगा, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। मैंने बोला अगर इतना सब है तो भाई पॉलिसी बाज़ार वालों को आपने कुछ बताया नहीं, मेरे पास तो SBI का कोई सोर्स नहीं है बात करने का, मेरे पॉलिसी बाज़ार से लिया तो मुझे पॉलिसी बाज़ार वाले बताएंगे क्या करने क्या नहीं करने, पर पॉलिसी बाज़ार वालों के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। मैंने कम से कम 25 25 30 40 कॉल मार चुका हूँ मैं उनको अभी तक, कॉल कर करके मैं थक गया। कोई एग्जीक्यूटिव फ़ोन उठाएगा बोलेगा सर आपको मैं 2 घंटे में कॉल करवाता हूँ अपने अपर अथॉरिटी से, कोई बोलेगा सर अभी आधे घंटे में कॉल आएगा, कोई कॉल नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई आपको मेल आईडी दे देगा आप मेल कर दो, वो मेल का कोई जवाब नहीं देंगे। उनका एक मेल आ जाएगा आपको कि आपको कॉल करा आपका नंबर नहीं मिल रहा है, जबकि आपको अगर पॉलिसी रिन्यू करनी होगी तो आपको 50 कॉल आ जाएंगे, लेकिन अभी उनका कोई मुझे कॉल नहीं आएगा ना, उनका कोई मुझे सामने से बात करने वाला है। मैं उसका भी आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मैंने कितने कॉल्स किए उनको, कितने उनसे कितने मिनट मैंने बातें की हैं, उनका कोई रिस्पांस नहीं। मतलब आप ऐसा, मतलब आपको तो पता है अभी आप लोगे या नहीं लोगे आप पे डिपेंड करता है, कि मैं अभी फिलहाल इतना हेल्पलेस फील कर रहा हूँ कि मैंने पॉलिसी ले ली है, मेरे पास पॉलिसी है, मेरे पास मैंने 11,500 11,058 रुपीज़ की मैंने पॉलिसी ली है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये लोग बोलते हैं आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो चुकी है, मेरा पैसा भी चला गया है, आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रेट चालू है लेकिन आपकी जो एक्चुअल कार की जो इंश्योरेंस है वो आपको नहीं है। मैंने 9th को मेरी गाड़ी डाली है, 10th को उनका इंस्पेक्शन करने वाले ने चेक किया और उन्होंने मुझे 11th को ये मुझे भेज दिया, 11th को, आज तक कभी मेरे पास ये लेटर नहीं आया, लेकिन 11th ऑफ अक्टूबर नवंबर में मुझे लेटर भेज दिया। और उसके अंदर जब मैं खोल के चेक कर रहा हूँ तो उसके अंदर 16th ऑफ अक्टूबर की डेटेड लेटर इन्होंने मेरे को 11th ऑफ नवंबर को भेजी है, पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो गई है ड्यू टू नो क्लेम बोनस, और उसमें आपका डायरेक्टली उन्होंने लिख दिया है कि आपको रिफंड, ना ही आपको वो जो पैसा आपने दिया है वो रिफंड मिलेगा और ना ही उसके बारे में आपको कुछ बात की जाएगी, मेरा पूरा का पूरा पैसा चला गया है। अब बात ऐसी है कि मैं अभी पूछूं या बात किससे करूं, पॉलिसी बाजार वाले से बात करूं कि इससे करूं। पॉलिसी बाजार वाले बोलते हैं उनके एग्जीक्यूटिव हमारे साथ सर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, हमको चेक करना पड़ेगा। 15 दिन हो गया मेरी गाड़ी को अभी वहाँ पे खड़े, कोई ना पता कर पा रहा ना कोई बता पा रहा। उनका सामने से मैसेज आ जाता है कि भाई आपका जो हमने क्वेरी थी ठीक कर दिए, रिजोल्व कर दिए। कितनी बार कॉल करें, कितनी बार बात करें, कोई है ही नहीं, गुड़गांव में इनका ऑफिस है, जाएं कहाँ से, किससे बात करें, पॉलिसी लेके आप फंस गए, ये तो मतलब स्कैम टाइप हो गया ना, पूरा पूरा स्कैम ही हो गया। मेरे पास पॉलिसी है, मेरे पास पूरा पॉलिसी का पूरा डिटेल लिखा है, मेरे पास सब कुछ है उसका, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ा है, आप वो पॉलिसी ऑनलाइन पॉलिसी दिखा दो, आप छूट जाओगे, लेकिन आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कोई क्लेम नहीं देगा। मतलब आपने जो 11,000 रुपये की इंश्योरेंस ली है, आपने मेरी 0 डेप इंश्योरेंस ली थी मैंने, जो इंश्योरेंस ली है वो वेस्ट, और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। पॉलिसी बाजार पे अभी भी एक्टिव दिखा रही वो पॉलिसी, लेकिन
ये लोग बोलते हैं SBI वाले बोलते रिजेक्ट कर दिए, तो ये पॉलिसी बाजार वालों को पता नहीं है SBI ने रिजेक्ट कर दिए। SBI ने रिजेक्ट किस बेसिस पे किया? NCB के बेसिस पे किया। अगर NCB के बेसिस पे आपने रिजेक्ट की है तो आप ये पॉलिसी बाजार वालों को बताओगे, पॉलिसी बाजार वाले मेरे को बताएंगे मेरा NCB इशू है तो मेरा पैसा रिफंड करेंगे, या मेरा पैसे की जगह नहीं होगा तो मुझे बोलेंगे आगे का पेमेंट करो, कुछ तो बताएंगे? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। आज एक साल अभी भी मुझे कॉल आता है पॉलिसी बाजार से, सर कि आपकी जो कार इंश्योरेंस है दिसंबर में खत्म होने वाले, उसको रिन्यू कर लो। मैं बोला भाई मेरी पॉलिसी तो रिजेक्ट हो चुकी है, कैंसिल पॉलिसी को रिन्यू कैसे करवा? उनको पता ही नहीं है, दे आर ओके, दे आर फाइन। भाई मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर आपको पॉलिसी लेनी है गलती से भी पॉलिसी बाजार से मत लीजिए। मैं पछता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा हूं। इट इज नॉट अबाउट कि आप 11,000 रुपए गए कुछ, लेकिन आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो, कोई है ही नहीं आपके पास बात करने के लिए। इससे अच्छा है कोई आपका पहचान वाला एजेंट हो, या उस कोई भी पहचान वाला जिस जो एक पर्सन को आप जाके मिल सकते हो, बात कर सकते हो, किसी का ऑफिस आपको पता है, आप उसी से ही पॉलिसी लीजिए, ताकि आप उनसे डिस्कस तो कर सकते हो। इनसे तो आप डिस्कस भी नहीं कर सकते हो, 15 एग्जीक्यूटिव अलग अलग एग्जीक्यूटिव से वही सेम बातें आपको करनी पड़ रही हो ऑन रेगुलर बेसिस, और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। मेल कर दो, कोई रिजल्ट नहीं है। मेल कर दोगे, ओके यस सर, वी आर लुकिंग एट योर क्वेरीज, वी विल टेल यू लेटर, बस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। मैं इसके बाद आपको पूरी पॉलिसी खोल के इसकी ऐप में जाके आपको मैं दिखाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि क्या हो रहा है। मेरी पूरी पॉलिसी रेडी है, सब कुछ रेडी है। मैं आपको अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाके इनकी पॉलिसी दिखाता हूँ। मैंने पॉलिसी बाजार की मेरी ऐप खोली, ये देखिए पॉलिसी बाजार की ऐप अभी मैं खोल रहा हूँ। ये पॉलिसी बाजार की ऐप खोल रही है, ये मेरी ऐप खुल गई, ये हो गई मेरी पॉलिसीज, ये सारी मेरी पॉलिसीज है। ये मेरी कार इंश्योरेंस जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरी हेल्थ इंश्योरेंस, और ये बाकी जो इंश्योरेंस जो आपकी एक्सपायर हो जाती है उसकी डिटेल यहाँ पे, पॉलिसी एक्सपायर्ड जो इन्होंने मुझे देनी चाहिए थी पर मुझे दी नहीं। ये मेरी पॉलिसी इशूड दिखा रहा है, ये मैंने पॉलिसी मेरी खोली, पॉलिसी इशूड, ये मेरी पूरी डिटेल है पॉलिसी की। ये मैंने पॉलिसी डाउनलोड कर ली, डाउनलोड पॉलिसी में जाके मैंने मेरी पॉलिसी डाउनलोड कर ली, डाउनलोड कंप्लीट, ये मेरी पॉलिसी खुल गई। इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं मैंने 14/12/2019 को मेरी पॉलिसी इशू की है, पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम ये डेट फ्रॉम दिस मिडनाइट, पूरा डिटेल में है ये, पूरा का पूरा 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 सब उसका डिटेल, सब कुछ डिटेल। मेरी पॉलिसी पूरी अगर एक्टिव है पूरी दिख रही है, लेकिन स्टिल अगर आप ये सब के बाद वजूद आप बात करोगे SBI में, तो SBI वाले बोलते हैं कि आपकी पॉलिसी एक्टिव नहीं, कैंसिल कर दी गई है। अब इसके लिए आप मुझे बताइए किससे बात की जाए। मेरे हिसाब से तो आपको अगर कुछ है तो आप प्लीज़ किसी भी उससे पॉलिसी बाज़ार से आप पॉलिसी ना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बातें सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये खाली पॉलिसी बेचते हैं और इनके आगे पीछे बाल की कुछ लेन देन नहीं है। आपका पैसा है, पैसा चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू।